आज की वीडियो में हम उस आदमी की बात करेंगे जो साल दस साल तक नहीं बल्कि उससे अमीर दुनिया में आज तक नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। आज बात कर रहे हैं मंसा मूसा की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मंसा मूसा कौन था। मंसा मूसा तिम्बकतू राज के माली देश के राजा थे और उसका जन्म 1280 में माली देश में हुआ था। माली में पैदा हुए इस राजा ने करीब 1312 से 1333 तक हुकूमत की और अरबों की दौलत इकट्ठा की। ये माली साम्राज्य का राजा हुआ करता था जो अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे। जंगलों में रहने वाले इस राजा के बारे में कहा जाता है 13वीं सेंचुरी में इस राजा का नाम मूसा केटा प्रथम था, जिसे बाद में मनसा कहा जाने लगा क्योंकि इस समय बादशाह को मनसा कहा जाता था। उस दौरान आज के मैरिटानिया, सेनेजल, गाम्बिया, कीनिया, बुरकीना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब मूसा का सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसकी अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अब तो ये बात हो गई मूसा था कौन। अब बता दूं मंसा मूसा के कुछ दिलचस्प बातें ताकि आपको समझ में आ जाए मंसा मूसा किस तरह का इंसान था। मूसा ने माली की सल्तनत पर हुकूमत की थी जहां वह सोने के भंडार हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस राजा के शासनकाल में हर दिन करीब 1000 किलो सोने का उत्पादन होता था। मंसा मूसा उस समय में नमक और सोने का कारोबार किया करते थे और उस वक्त दुनिया के अन्य हिस्सों में सोने की काफ़ी डिमांड बढ़ रही थी, जिससे उस वक्त उसके पास काफ़ी पैसा था। कहा जाता है वो अपने काफिले के साथ ही कई किलो सोना लेकर चलते थे। इतना ही नहीं, सोना बांटते हुए आगे बढ़ते थे। खैर, जिसके पास खूब सारा पैसा हो उसे पैसे लुटाने का भी हक होता है, इसलिए मंसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाता था। करीब 25 साल के अपने शासनकाल में कई मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था, जिनमें से कई तो आज भी मौजूद है। तिम्बकतू की जिनगारे बेर मस्जिद मंसा मूसा के दौर में बनी हुई उन्हीं मस्जिदों में से एक है। उसके अलावा उसकी मक्का यात्रा की कहानी बड़ी मशहूर है। मंसा मूसा की दौर 1934 की बात है, ये कहानी काफ़ी मशहूर है। इस सफ़र में मंसा मूसा ने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। किस्सा ये है कि जो लोग मंसा मूसा को देखना चाहते थे जब वे उनके कारवां के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वो अपने काफिले के साथ हज करने जा रहे थे। इसी दौरान उसके काफिले में 60,000 लोग शामिल थे, जिनमें से 12,000 तो केवल उनके निजी अनुयायी थे। इसके अलावा मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का एक जत्था था और सबके हाथ में सोने की छड़ी थी और उन्होंने बेहतरीन रेशम का लिबास पहना हुआ था। कहते हैं मंसा मूसा के काफिले में 80 ऊँटों का एक समूह था और हर एक ऊँट पर 136 किलो सोना लदा था। कहते हैं मंसा मूसा इतने उदार थे कि जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहाँ उन्होंने गरीबों को इतना दान दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई थी। कहते हैं मंसा मूसा के दौर में यूरोप के पास कुछ खास खनिज पदार्थ या सोने के भंडार नहीं थे। ऐसे में मंसा मूसा द्वारा गरीबों में सोना बांटने की बात यूरोप तक पहुँची तो वो सिर्फ ये देखने के लिए माली साम्राज्य आने लगे कि मंसा मूसा की जो दौलत के बारे में जो बात फैली है वो कितनी सच है। आखिरकार उन्हें अपनी आँखों से देखकर विश्वास हो गया कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत है। यूरोपीय लोगों को जब मंसा मूसा की दौलत पर यकीन हो गया तो उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। अब तो ये हो गया कि मूसा का दिल कैसा था। आप भी ये कह सकते हैं मंसा मूसा का उस वक्त का सबसे बड़ा दरिया दिल था। चलिए आपको बताते हैं मंसा मूसा के पास दौलत कितनी थी। मंसा मूसा के दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना बड़ा मुश्किल काम है। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि मंसा मूसा के पास 400,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर दौलत थी। मतलब अगर आपने भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके देखेंगे तो करीब 30,00,000 करोड़ रुपए बनते हैं। उसके पास उस वक्त दौलत थी, उस हिसाब से आज के दौर में मानव इतिहास का दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता। यानी आज वो करीब 30 ट्रिलियन डॉलर का मालिक होता। मतलब जितनी कि रूस, मेक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी मिलकर नहीं है, उससे ज़्यादा की दौलत का मालिक होता। मंसा मूसा ने करीब 23 वर्षों तक शासन किया। जिस सोने ने उन्हें इतनी दौलत दी थी उसी सोने ने मिस्र को कंगाली की हाल तक पहुंचा दिया। उन्होंने इतना सोना दान में दे दिया कि पूरे देश में सोने की दाम घट गए और अचानक से महंगाई बढ़ गई। 57 साल की उम्र में मूसा इस दुनिया से चल गए। और दुख की बात तो ये है कि उसकी मौत के बाद उसकी अगली पीढ़ी उसके कारोबार को संभाल नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लंबी गृह युद्ध और विदेशी फौजों के आक्रमण से साम्राज्य का पतन हो गया। पर सच में मंसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि आज तक कोई सही हिसाब ही नहीं लगा पाया। हर कोई सिर्फ अंदाज़ा ही लगा लेता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।